टोटल ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का शेयर 1950 से लेकर 2014 तक कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, जो 85-33% पहुंच गया है, और रोड ट्रांसपोर्टेशन शेयर कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जो 15-58% हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना को शुरू किया गया है, जो भारत के चारों महानगरों को जोड़ेगा। अलोंग विद इट्स डायगनल, इट्स एंटायर 16% ऑफ रेल नेटवर्क चेंज द कंडीशन ऑफ द रेलवे। इट कैरीज 52% ऑफ पैसेंजर एंड 58% ऑफ फ्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। आज मैं आपको WDFCC की पूरी जानकारी दूंगा और इस वीडियो में यहाँ पर काम कितना कंप्लीट हो चुका है और ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका रूट क्या रहेगा, किस किस हिस्से और किस किस लोकेशन से WDFCC का अलाइनमेंट होके गुजरेगा, इसका मैं सारा डिटेल में जानकारी दूंगा। आप मेरे पीछे की साइड में एक ट्रांसफॉर्मर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यह पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी कितना कंप्लीट हो चुका है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर होगी और EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से होते हुए वेस्ट बंगाल में डंकुनी को जोड़ेगा और इसकी कुल लंबाई 1856 किलोमीटर होगी। WDFC कंसिस्ट 4 किलोमीटर लॉन्ग टनल, 262 ब्रिजेस, 33 फ्लाईओवर, 505 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 200 रेलवे अंडर ब्रिजेस। चलिए अब मैं आपको ड्रोन व्यू से रेवारी मगरपुरा सेक्शन में कितना काम हो चुका है वो बताने की कोशिश करूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं भायली गांव के अंदर 55 kV सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और आप यहां पर इसकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं। अभी यहां पर मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बाकी है। सब स्टेशन के पास से ही आप DFC के अलाइनमेंट और साथ ही साथ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, जो 8-लेन एक्सप्रेसवे है, उसके अलाइनमेंट को भी देख सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे और DFC का अलाइनमेंट पैरेलली जा रहा है यहाँ इस सेक्शन में। DFC सेक्शन में आप देख सकते हैं ब्लैंकेट लेइंग का काम चल रहा है, जिसे हाईवे में GSB लेइंग कहा जाता है। यहाँ पर आप आगे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे स्लोप प्रोटेक्शन का काम भी तेज़ी से चल रहा है। और DFC के अंदर पेमेंट डिज़ाइन की बात करें तो इसमें एम्बैकमेंट के बाद 1 मीटर का सबग्रेड, 600 mm ब्लैंकेट इन 2 लेयर, आफ्टर दैट इसमें 600 mm का बैलास्ट आएगा, वो भी 2 लेयर में आएगा, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर में आएगा। उसके बाद स्लीपर और रेल लेइंग का काम अभी इस सेक्शन में बाकी है। DFC सेक्शन बन जाने के बाद इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा, इससे एनर्जी कंजप्शन में कमी आएगी और कार्बन इमिशन भी कम होगा। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करेगा। और अगर इसके ऑपरेशनल फीचर की बात करें तो ट्रेन्स पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम पर रन करेगी और इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह किसी भी रेलवे फाटक की ज़रूरत नहीं होगी। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के साथ ही ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाए जाएंगे, जो ट्रेन के आने पर सिग्नल को आगे से आगे स्टेशन तक कैरी करेंगे। ये सिस्टम पूरी तरह से सिग्नल और टेलीकॉम बेस्ड सिस्टम होगा। इस सिस्टम में ट्रेन के एक पॉइंट पर आने पर सिग्नल नेक्स्ट स्टेशन तक भेज दिए जाएंगे और यह सिस्टम पूरी तरह से वार्निंग बेस्ड सिस्टम होगा। इसमें ट्रेन के
भी तेजी से चल रहा है और नवंबर 2021 तक शेड्यूल टाइम में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। और डीएफसीसी सेक्शन का कंप्लीशन डेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डीएफसीआईएल इस सेक्शन की शेड्यूल डेट सितंबर 2021 रखी गई है। डीएफसीसी ट्रैक डबल लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक होगा, एक ट्रैक डबल स्टैक कंटेनर कैरी कर सकेगा जिससे ट्रेन की कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी और एवरेज स्पीड भी 75 किलोमीटर पर आवर की होगी। डीएफसीसी इज इंडियाज़ बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडियन रेलवे हिस्ट्री। डीएफसीसी के बन जाने के बाद पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन के मूवमेंट में काफ़ी आसानी होगी और यह सब मैनेज करना एक पॉसिबल थिंग हो पाएगा। टिकट ऑन डिमांड भी रियलिटी हो पाएगा और लॉजिस्टिक और गुड्स को भी टाइमली पहुंचाया जा सकेगा। करंट सिनेरियो में एक मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है जो इस ट्रैक के बन जाने के बाद बढ़कर 80 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस ट्रैक के बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री जॉब्स एंड सप्लाई डिमांड की चेन अच्छे से वर्क कर पाएगी। अभी आप यहां पर देख सकते हैं वडोदरा कैनाल पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है और यहां पर आगे एक पीयूपी का कंस्ट्रक्शन भी अभी करना बाकी है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आगे डीएफसीसी ट्रैक किस स्टेट से होकर गुजरेगा और कहां पर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इसकी भी डिटेल जानकारी दूंगा। इस मैप में आप रेड लाइन देख पा रहे हैं, ये WDFCC के अलाइनमेंट को शो कर रही है। ये अलाइनमेंट हरियाणा में 177 किलोमीटर, राजस्थान में 567 किलोमीटर, गुजरात में 565, महाराष्ट्र में 177 और उत्तर प्रदेश में 18 किलोमीटर के सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। यह सब मिलाकर WDFCC का काम कंप्लीट हो जाएगा। WDFCC और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को दादरी में कनेक्ट किया जाएगा। WDFCC के टोटल सेक्शन का शेड्यूल कंप्लीशन टाइम को 2022 तक रखा गया है। अंत 2022 तक इसका काम पूरा कंप्लीट होने की उम्मीद है और इस सेक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद रोड कंजेशन और ट्रैफिक में काफ़ी कमी आएगी।
आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप EDFCC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका भी वीडियो बना सकूंगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।